जय मिथिला, हम सरोज और अपने लोग देख रहा छी मिथिला तक न्यूज। अहाँ सबके बता दी जखन हमर उपस्थिति अररिया लोकसभा के फारबिसगंज के हवाई अड्डा फील्ड में, जत अहाँ सबके बता दी जे काल्हि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा के संबोधन कयल जायत, जकर तैयारी लऽ कऽ पूरा सुरक्षा के देखैत पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा कयल गेल छै। संगी मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा अतः निरीक्षण कयल जा रहल छै। अखन लगभग रात के 10 बज रहल है और जे एनडीए प्रत्याशी बीजेपी नेता सह निवर्तमान सांसद प्रदीप सिंह छथि, ओहो अखन निरीक्षण करय लए एलथि हैं। देख रहल स्क्रीन पर जे पूरा निरीक्षण भऽ रहल छै आ ई अखन निरीक्षण करय लए कयल प्रधानमंत्री के जनसंबोधन छै, तऽ केना की एकर रूपरेखा छै? देखै छियै तऽ पूरा तैयारीमे सब कार्यकर्ता हमर जुटल छै आओर मोदी जी के इंतजारमे अररियाके जनता ओकर स्वागतमे सब लागल यऽ। एनडीए गठबंधनके जतेक साथी छै सब कार्यकर्तामे उत्साह छै, लोकमे भी खुशी छै कि मोदी जी जे विकासके काम केलकैए 10 सालमे ओकरा देखैके लिए लोग ललायित छै। एक नज़र काल्हि देखबै अहाँ, ई भरल रहतै फील्ड, अपार भीड़ रहतै काल्हि। अपन जनप्रिय नेता, देश के हमर तो नेता छेबे करी लेकिन विश्व के नेता भए गेल मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर नरेंद्र मोदी जी हो गए। हम सबों को गर्व है, आज देशवासियों को भी गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब के लिए और देश हित को आज को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनाया। कल जे जनसंबोधन हेतै, जे अपन देश के मुद्दा छै ओहि संग प्रधानमंत्री जी के द्वारा अररिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कोन एहन जे मुद्दा छै जाहि पर प्रदीप सिंह द्वारा काज कयल गेलै, हुनका मुँह से जनता के सुनय के पड़तै? बहुत मुद्दा छै, अनेक काम के लिए यऽ। जेना 4-लेन रोड अररिया से गलगलिया बनि रहल छै, अररिया से गलगलिया रेल लाइन बनि रहल छै, अररिया से सुपौल रेल लाइन बनि रहल छै। अखन 6-6 ट्रेन के सौगात देलक हमरा, एतय बड़का इंटीग्रेट चेक पोस्ट बनलैए। तो इस टाइप के बहुत काम छै, अनेक काम छै। 450 ब्रिज बनवैलक छै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रिज, इस जिला में 400 ब्रिज बनलैए। तो प्रधानमंत्री सड़क लगभग 1000 किलोमीटर बनलैए। तो एना बहुत काम छै, गांव-गांव बिजली चल गेलैए, गरीब कल्याण के तहत गरीब के राशन मिल रहल छै, गैस मिललै, चूल्हा मिललै, मुद्रा योजना के लाभ मिललै, किसान सम्मान निधि मिल रहल छै। तो लोग तो खुश या पूरा इलाका एकदम जय जयकार कर रहा है। कल के जनसंबोधन से अररिया लोकसभा संघ जे छै से पूर्णिया में कल मतदान सेहो होबे वाला छै, आ कटिहार ऐ सब पर कतेक असर पड़तै? बढ़िया असर पड़तै, चारों तरफ असर पड़तै। विपक्ष एक तरफ कहै छथिन जे मैदान में कोनो हमर ककरो से लड़ाई नहीं छै, विपक्ष को नहीं है पता 40-40 सीट एनडीए गठबंधन को आएगा, विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। किशनगंज हम लोग एक सीट हारे थे और मुझे लगता है कि किशनगंज भी अब हम लोगों का, किशनगंज पर तो विपक्ष के पूरे दावेदारे छे जे हमरे रहते, वो तो छैये, वो तो छैये संगे जे छे 39 हमरा नहीं लागे जे 40-40 भ जेते। ओ किशनगंज पर सो, हां ओ भ जा कब्जा होवा वाला छे। हां आंधी चल रहा छे, सुनामी चल रहल छे, जनता के मिजाज टटलू ने गांव में जाके जे आम मतदाता छे। देखो नेता सब जकरा हरा जीता दिए, लेकिन जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसल छे। आ देश के आधी आबादी महिला छे, तो वो महिला के बहुत सम्मान मिले, ओकरा तो राशन दे छे, ओकरा आवास दे छे, ओकरा की कहे छे उज्ज्वला योजना दिलकै, तो ओकर बहुत 33% आरक्षण दिलकै अखन लोकसभा विधानसभा में। तो महिला सशक्तिकरण के मोदी जी बहुत बढ़ावा दिलकै, तो आधी आबादी देश की वो नरेंद्र मोदी को महिला तो उसको पसंद करती ही है, तो पुरुष कहाँ जाएंगे? अररिया लोकसभा के जते महिला माता छथिन कल संबोधन में प्रधानमंत्री जी के और प्रदीप सिंह के सपोर्ट में उतरथिन, पूरा उतरथिन, तो जन से लाभ आबि रहल छै। अहाँ देखबे ना, अहाँ के एकरा में आबे में घुसे में तो हॉल में दिक्कत होता, अपार हर्ष लोग में छै। हमरा सब तो क्षेत्र भ्रमण करै छी, लोग जाय ले एकदम तैयार छै। कतेक लोग कहै छै केना जेबै एमपी साहब, हमले जेना जेबै आबू, सब आना चाहिए तो सब अतै। आ जनसंपर्क में केना की चल रहल छै, अपने जाय छी जनता सब से केना की सपोर्ट? कुछ न, जनता के बीच जाय छी, आशीर्वाद मांगे छी कि हमने जो 5 साल काम किया है आप आशीर्वाद दीजिए, पार्टी भी भरोसा किया है, तो अपार जन समर्थन, अपार आशीर्वाद, लोग के खुशी छै
फिर एक बार मोदी सरकार, चलू फिर एक बेर मोदी सरकार संग कल के जनसभा पर समस्त जनता के नजर छन जे आखिर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथिन जनसंबोधन करथिन कोन मुद्दा के लक जे 2024 के जे मुद्दा हेतै की बजथिन महिला पर की बजथिन तमाम तमाम बात पर जे छै से समस्त जनता के नजर रहते कल देख के छै कल के इंतजार में अखन शुभ रात्रि फिर पुनः मिलब। जय मिथिला जय मैथिली धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।